उसको हमने कैसे कंट्रोल भी रखना है और समझदारी से चलना है कि हमें वो चंडी नहीं बनना जिसे शिव जी को आके अपने आप को। नारी शक्ति सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न। माधव विद्या निकेतन स्कूल के प्रांगण में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता निधि ने कहा कि पुरुषों से आगे निकलने की होड़ में आज की नारी नशों का सेवन करने लगी है। नशे व अश्लीलता के दौर में महिलाएं पुरुषों को पीछे धकेलने की चाह में नशों के दलदल में फंसने लगी है। ये अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जबकि नारी को समस्त शक्तियां साल 1950 में ही संविधान लागू होने के साथ ही मिल गई थी। तो वहीं इस मौके प्रिंसिपल रमा महाजन ने कहा कि महिलाओं को बोलने की आज़ादी तो महाभारत व रामायण काल से ही मिल गई थी। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने राजा महाराजाओं के दौर के दौरान भी पुरुषों का मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका निभाई है। सम्मेलन को अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की डायरेक्टर रागिनी शर्मा व महिला उद्यमी रबा मेहरा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन को वक्ता बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर विनय कपूर मेहरा, अमनदीप अस्पताल की डॉक्टर अमनदीप कौर, सहोदय स्कूल की जिला सचिव डॉक्टर अनीता भल्ला ने भी संबोधित करते हुए नारी सशक्तिकरण की हुंकार भरी। कार्यक्रम में चर्चा का सत्र प्रोफेसर डॉक्टर लकीश शर्मा ने लिया तथा मंच का संचालन प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी डोगरा ने बखूबी निभाया। स्कूल प्रिंसिपल रीना ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन में 2000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। उन्होंने निधि त्रिपाठी व अन्य गणमान्य नागरिकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वराज ग्रोवर, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रमा महाजन, डॉक्टर किरण खन्ना, इंदिरा शर्मा, नताशा चड्डा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान श्रुति विज, डॉक्टर शैली जग्गी व अन्य महिलाएं उपस्थित रही। मैं रमा महाजन, आज बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और अपनी तरह का एक अलग प्रोग्राम था। मैं बधाई देती हूँ आयोजकों को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया, और ये अमृतसर के इतिहास में पहली बार है कि ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि अपनी तरह से महिलाएँ अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, और जब वो इकट्ठा होकर काम करेंगी, एक मुट्ठी की तरह काम करेंगी, तो वो उसका अलग ही एक स्वरूप नज़र आएगा। और दूसरा इसका कारण था कि वैदिक काल में नारियों की पूजा होती थी, उसके बाद एक ऐसा समय आया कि जब नारियों को वो सम्मान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी, तो वो सम्मान दोबारा मिले, दोबारा भारत विश्व गुरु बने, उसमें महिलाओं का योगदान हो, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। हाँ जी नमस्कार, मैं प्रमिला कपूर, प्रिंसिपल अजंता सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाकाटी का। आज नारी सम्मेलन हमारा हुआ और यहाँ पर माघ मेला था, नारियों का माघ मेला, जो कि 12 वर्ष बाद हर साल प्रयागराज में लगता है। आज ये देखकर हमें प्रयागराज की माघ मेले की याद आ रही थी। हर प्रकार की यहाँ पर एजुकेशनिस्ट थी, हाउसवाइफ थी, सब ने अपने विचार मंच पर और अपने अपनी प्लेस पर बैठकर अभिव्यक्त किए। सब में एक निराला ही जोश था, अपने लिए उनमें जागरूकता थी, और ये जागरूकता हमारी जगाई है नारी सम्मेलन जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में चल रहा है और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। नारी की जागृति के लिए किया गया है कि नारी आप वैदिक काल से बहुत ज़्यादा पूजनीय रहे हैं, और धीरे धीरे रीति काल 13वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में मुगलों के आने पर तुम्हारे अस्तित्व को थोड़ा दबाया गया, क्योंकि तुम बहुत विदुषी थी और बहुत आगे बढ़ रही थी, किंतु ये राजनीति के कारण उनको दबा दिया गया और वो दबती चली गई और घर की चार दीवारियों में बुरके के अंदर, पर्दे के अंदर सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह हर चीज़ को, और यहाँ तक कि लड़की के पैदा होने पर मार दिए जाने तक की बातें हो गई थी। लेकिन आज पुनः नारी ने अपना शत्रु हटाया, न अरि उसका कोई भी अब शत्रु नहीं रह गया। सारा समाज, सारा भारत हमारे स्त्रियों के साथ, युवतियों के साथ है। किंतु मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे ये युवा युवतियाँ जो भटक रही हैं पाश्चात्य सभ्यता के कारण, आधुनिकीकरण के कारण, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए वो आगे बढ़ें। आज नारी बहुत सशक्तिकरण हो गई है, हर एक फील्ड में
उसने अपना नाम बनाया है और उसमें जागरूकता हर स्थान पर दी गई है, चाहे वो समाज हो, राष्ट्र की सेवा में हो, हम उसमें हिस्सा भाग लेना चाहती हैं, समाज की सेवा में भी और राष्ट्र की उन्नति में भी। हमारे अंदर पूरा वही जोश है जो हमें शक्ति स्वरूपा माना जाता है।